झूठ बोल रहा है, पता होगा नाइन। हाँ पता है ना, हाँ हमको नहीं पता, नहीं पता क्या बात। अच्छा तो अभी जो पहला जो हम पिछला बार चैप्टर क्या खत्म किया था, टॉपिक कौन सा टॉपिक खत्म किया है, वर्ल्ड। अब कौन सा टॉपिक है, अब कौन सा टॉपिक है, हाँ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब परिचय, पहचान, है ना, ठीक है। तो उसी के चलते आप पहचान को हम धीरे धीरे समझ, जैसे पहला क्लास में मैंने क्या आपको बेसिक का फुल फॉर्म बताया था, बेसिक का फुल फॉर्म, उसमें से बी क्या था, भारत, और एस क्या था, एस की सेल्फ, एस सी एल एफ यानी निज, और बर्थ यानी जन्म। तो क्या बात क्या था, जन्म के साथ और निज में बहुत कुछ ये चीजें जुड़ जाता है ना, जैसे क्या चीजें जुड़ता है बताओ, क्या क्या, जैसे बस जन्म की वजह से आपके निज में क्या जुड़ जाता है, या फिर आपके परिचय में क्या बन जाता है, क्या क्या, हाँ बोलो, मनुष्य तो है एकदम बिल्कुल सही, हाँ नहीं क्या, बिल्कुल सही बोल रहा है, मनुष्य है इसीलिए यहाँ है, लेकिन और क्या चीजें जुड़ जाती है, मनुष्य अगर ये है, मनुष्य असल में जो है उसके साथ साथ और क्या चीजें जुड़ जाता है, नाम, नाम और धर्म और नायक नाम, हाँ नायक मलिक साहू जो भी, और जाति ब्राह्मण कास्ट ये सब जुड़ जाता है, और देश, यहाँ जन्म लिया है तो इंडिया का है ना, थोड़ा डिस्ट्रिक्ट सब कुछ। 5000 किलोमीटर वेस्ट पे पैदा होता तो क्या होता, क्या होता अगर यहाँ पे पैदा हुआ है, 5000 किलोमीटर वेस्ट में पैदा होता, वेस्ट यानी क्या हुआ, आंध्रा, आंध्रा तो साउथ हो गया, 5000 किलोमीटर तो क्या पाकिस्तान हो जाता है ना, कुछ अराउंड 5000 किलोमीटर ऊपर हो जाता तो क्या होता, चाइनीज, चाइना, हाँ। तो सब क्या है, जन्म की वजह से हो रहा है ना, और क्या हो रहा है, जन्म की वजह से क्या है, किस्मत की वजह से, अभी यहाँ पैदा हुआ है तो इंडियन है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, जो भी है, समझ रहे। तो अब इन्हीं चीजों पे आप आज बात करेगा, एक गेम खेलेगा, ठीक है, जो तुमको पता ही है पहले से, आप तो सबको एक एक चीज मिलेगा, तो दो चीज कर सकता है, या तो चाट के ऐसे चिपका सकता है, थ्री, दूसरा चीज ऐसे पकड़ के रख सकता है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या क्या लिखा है, हाँ लेकिन ये मुझे नहीं पता है, अपना नंबर मुझे नहीं पता है, बाकी आप सब मेरा नंबर देख सकता है ना, लेकिन मुझे अपना नंबर नहीं देख सकता है, वैसे आपको जैसे ये नंबर मिला है, आपने अभी अभी तुम देख लिया है, लेकिन अभी दुर्योधन को नहीं पता है कि उसका 12 नंबर है, बाकी सब देख सकता है ना, तो ऐसे क्या होगा, अब सबको जैसे एक एक लगा लो तुम, हाँ अभी दे रहा मैं सबको दूंगा पहले, तो अब क्या होगा, मैं सबके पास है एक एक नंबर ऐसे मिल जाएगा, तो सब एक एक करके सबसे बात करेगा, बात कैसे करेगा, सामने मैं खड़ा होगा इसके, अगर मुझे 1 to 13 नंबर है, ठीक है, तो 1 क्या है, स्मॉल है, छोटा, 13 क्या है, बड़ा, तो और वैसे 2 क्या है, 2 भी स्मॉल है, 7 क्या है, हाँ लेकिन मिडल नहीं, वही तो गेम है, तो आपको क्या करना है, एक दूसरे को देख के तुम लगाओ, तो इसका नंबर 10 है, इसको नहीं पता, मैं ये नहीं बताऊंगा इसका नंबर 10 है, मैं बस बोलूंगा बिग, इसका क्या है नंबर 9, मुझे लगता है ये भी बिग है, लेकिन स्मॉल भी हो सकता है, बिग भी हो सकता है ना, किसी का 1 है तो उसके लिए बिग है, तो मैं बोलता है बिग है, इसका तो 13 है, बिग ही है, इसका मान लो ये है 1 है, तो मैं बोलेगा स्मॉल, और वैसे ही तुम मेरा नंबर देख के कुछ बोलेगा, बोलो बिग या स्मॉल, हाँ, तो ऐसे कर करके क्या करना है, आप लोगों को हर एक से, जैसे मैं ऐसे लाइन में जाऊंगा, हर एक को एक दूसरे से लाइन में बात करना है, बिग या स्मॉल बोलना है, और उसके चलते हम क्या करेगा, अपना ग्रुप बना लेगा, जितना भी नंबर 9 है वो साइड हो जाएगा, जितना भी नंबर 2 है वो एक साइड हो जाएगा, ठीक है,
जो लोग अपना जितना जल्दी ग्रुप बना लिया वो जीत गया, जो जिसका ग्रुप नहीं बन पाया वो हार गया। हारा नहीं हो पाया, ठीक है, समझ गया। बिग या स्मॉल, मुंह से और कुछ नहीं बोलना, एक दूसरे का नंबर नहीं बताना है, समझ गया ना। क्या खा रही है, समझ गई, बुझे पाए, हाँ ठीक है चलो। और बस आपस में नहीं होगा, ये सबको एक दूसरे से करना पड़ेगा, तभी गेम खेल सकता है। चीटिंग भी कर सकता है, बहुत आसान है, इसमें बोल देगा 13 है लेकिन उसमें फायदा नहीं है। तो कोशिश करो ढंग से खेलने का, ठीक है, तभी ये जो हम आइडेंटिटी जो कर रहे हैं वो समझेंगे क्यों है कर रहे, ठीक है। चलो आंख बंद करो, अपना नंबर नहीं देखने, बस समझ गया, तेरा दिखेगा कैसे किसी को, ठीक है। तो अब बस शुरू हो जाओ, समझ गया ना क्या करना है, हर एक को एक दूसरे के लाइन में देख के जाना है। बिग स्मॉल वैसे आप लोग भी बोलते रहेगा, बिग स्मॉल जैसे आप बोलेगा वैसे। तो चलो शुरू हो जाओ सब एक एक करके। हाँ ये वापिस ये किसी का नीचे नहीं आना चाहिए, ऐसे ही रहेगा हमेशा, या तो चार्ट कैसे लगा लो ऐसे। इधर से शुरू करो, तुम जाओ पहले। जरूरी नहीं है लाइन में बना के, आपस में ऐसे बात कर सकते हैं। इधर सर, हाँ चलो एक एक चलो आपस में जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ चलो मुझसे अच्छा बात सुनो, सब ऐसा करो तुम लाइन में जाओ, एक एक करके जाओ सबके पास। मुझे नहीं देखना एक दूसरे।
हाँ जैसे ये लोग लड़का कर रहे हैं वैसे आप लोगों को करना है। अब तुम लोग फंस गया है ना, तुम्हारा हो गया है। हाँ तुम लोग का हो गया है, तुम लोग अब क्या करेगा? अच्छा हो गया, तुम दो रह गए। वेयर थ्री हियर सम ऑफ देम आई शफल नो। तुम लोग इतना सारे एक ही ग्रुप में अभी नंबर से करना था। अच्छा ठीक है, सब ग्रुप में रहो अपना, मैं एक एक करके देखता है। ठीक है सही है, ठीक है ठीक है। हाँ दिखाओ, नहीं एक मिनट रुको, अपना दिखा इधर, एक मिनट दिखाओ। ये लो ठीक है, निशान इसका नाम ईशान। हाँ ठीक है, तो जो जो ग्रुप बना लिया बहुत अच्छा, जो जो नहीं बनाए कोई बात नहीं, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। ठीक है आप सब आ जाओ वापस, आप थोड़ा बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे हमने किया क्यों। ठीक है काहिन की पहला बात तो बताओ, ये गेम आसान था क्या? तुम दोनों अपना ग्रुप बनाया था ना, लड़की तुम दोनों का बना था, सही सही बना था ना, कैसे बनाया तुमने? ये किस लिए जगह छोड़ के रखा इतना सारा? इधर आ जाओ, अरे इधर आ जाओ, कुछ नहीं होगा। चलो ना ऐसा क्यों, ये बॉर्डर बना दिया, इससे आगे मत आना लेकिन यहाँ तक आ सके। तो आप लोगों ने अपना ग्रुप बना लिया था ना, सही सही, तो कैसे किया? देखकर देखकर किया? नहीं सर, नहीं देखकर। देखकर किया तुम और बीक से? ठीक है, तो लेकिन आसान था क्या ये करना? है ना, तो दिमाग में क्या चल रहा था उस वक्त? अब हो गया है, जेब में रख लो। तो बेसिकली आइडेंटिटी का बात करना, परिचय का, तो इस गेम में भी वही हम समझने की कोशिश कर रहे थे। जन्म के साथ जैसे आपको बहुत कुछ आइडेंटिटी मिल जाता है, कुछ भी मिलता है ना, क्या क्या धर्म पैसा ये सब जो भी नाम, वैसे ही मैंने आप सबको एक एक नंबर दे दिया है ना, लेकिन आपको नहीं पता है वो नंबर क्या है, लेकिन आप दूसरों का नंबर देख सकते हैं और दूसरा आपको बता रहा है कि बड़ा है छोटा है। तो इसका यही है, जैसे कि स
सबके अंदर जो आइडेंटिटी है ना, जो असली हमारा परिचय है, वो हम भूल जाते हैं। लेकिन जो बाहर का लोग जो भी है, चाहे टीचर है, चाहे मम्मी पापा है या दोस्त है, वो आपको कुछ कुछ बोलता है ना, हम लोग कभी कभार वो बात मान लेते हैं। हम हो सकता है मैं नंबर 9 हूँ, लेकिन हर कोई अगर मेरे को बोलता है कि स्मॉल है, तो मैं मानने लग जाएगा कि मैं नंबर 3 है और मैं नंबर 3 की जगह में चले जाएगा। लेकिन असल में तो मेरा आइडेंटिटी कुछ और था ना, नंबर 9 था, समझ में आया। और ये हर चीज में है, काम के चलते। जैसे एक बात है कि कोई बोलता है डांस का बात करते हैं, अभी हम डांस किया, तो हर कोई डांस करता है यहाँ पे, कुछ लोग नहीं करता है ना। क्यों? डांस करना इतना आसान है, म्यूजिक बजा दे, बस शरीर को हिलाना है, उस रिदम को, ताल को पहचानना है। लेकिन क्यों हम लोग एक आइडेंटिटी बना लेते हैं कि नहीं, मैं डांस नहीं करता। वैसी गाना या कुछ भी, आपको कुछ बच्चों को जैसे बोल देता है कि कोई, तुम बदमाश लड़का है ना, और लोग बोलते हैं बदमाश है। धीरे धीरे वो अपने आप को बदमाश बनने लग जाता है। कोई पैदा होने से तो बदमाश नहीं होता है ना, धीरे धीरे वो बनता है, लोग उसको बोलते रहेगा। एक बार उसने कुछ गलती कर दिया मान लो, तो उसको अगर 100 लोग बोलेगा कि नहीं तुम बदमाश है, वो धीरे धीरे बदमाश बन जाएगा, है ना। वैसे कुछ भी काम का आप ले लो, कुछ ऐसा तो है नहीं कि अगर आप फार्मर के घर पे पैदा हुआ है तो फार्मर ही बनेगा, नहीं ना। लेकिन वही आपको शायद कोई बोलता है कि नहीं यही ऐसा ही है, तो इस गेम में भी हम यही कर रहे थे ना। अपना नंबर आपको नहीं पता, अपना आइडेंटिटी, लेकिन दूसरा का आइडेंटिटी दूसरा आपको बता रहा है, आप बड़ा है छोटा है। और लाइफ में भी यही होता है, बहुत लोग आएगा जो आपको बोलेगा कि आप कम है या फिर आप कि आप बहुत अच्छा है, कभी भी उनका बात नहीं मानो, अपना आप पता करो, ठीक है। तो इस गेम का यही मतलब था, समझ में आया है? आ गया, ठीक है। और वैसे जेंडर भी, जैसे जेंडर क्या, जो वही कई आइडेंटिटी ऐसा भी होता है ना, हम बोलते हैं कि हाँ लड़कियां कम है, लड़कियां ये नहीं कर सकती है, तो लड़कियां मान लेती है उस चीज को और नहीं करती है। लेकिन किसने बोला लड़की नहीं भाग सकती है? ओलंपिक्स में भी तो लड़कियां पार्ट लेती है, स्पोर्ट्स खेलती है, बहुत कुछ करती है, इंडिया के भी काफी लड़के आगे गई है। तुम्हारा क्या, स्कूल से कई वेट लिफ्टर लड़कियां हैं, लड़कों से ज्यादा अच्छा शायद लड़कियां कर रही है ना, ओलंपिक्स में भी ऐसा था ना, मैंने सुना है बहुत। तो यही सब आइडेंटिटी जो आप लोगों को बोला जाता है ना, पॉइंट ये था इस गेम का, जो आपको आपके बारे में दूसरा लोग बोल रहा है जरूरी नहीं है वो सही है, उस चीज को अपने से टेस्ट करो। अगर वो लोग सही है तो ठीक है, लेकिन अब हमेशा अपने आप से देखो, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा, एक और एक ऐसा ही करेगा। अब जैसा जैसा ग्रुप में था, दो दो डिवाइड हो जाओ, दो दो लोग, जल्दी। हाँ, एक लड़की एक्स्ट्रा है, हाँ, लड़का एक्स्ट्रा है, हाँ एक लड़का, कौन एक्स्ट्रा, आ जाओ राजेश, जल्दी। और क्या है लड़की, जल्दी एक आ जाओ, जल्दी से, टाइम वेस्ट मत करो। हाँ शाबाश, ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक है। हाँ, और तुम लोग कहाँ है भाई? हाँ, बन गया ग्रुप, तुम्हारा कौन है? हाँ ठीक है। अब वैसे ही आइडेंटिटी में हम एंड में अगर ये सब आप हटा दो कि हिंदू, क्या हंसी आ रहा है, क्यों हंसी आ रहा है, हिंदू मुस्लिम लड़का लड़की ये सब हटा दो, एंड में क्या है हम लोग, मनुष्य है ना। अमेरिका में लोग गोरा होता है, अफ्रीका में लोग काला होता है, उनका बाल छोटा होता है, अमेरिका में लोग का बाल येलो कलर का होता है, हमारे इंडिया में भी बहुत अलग अलग था, जापान का लोग अलग तरह का दिखता है, लेकिन है क्या, सब मनुष्य है ना। चमड़ी के नीचे अगर गारा जैसा भी, व्हाइट है, डार्क है, चमड़ी के नीचे क्या है, स्किन के नीचे क्या है, ब्लड है, और क्या है, मेन बोन्स है, हड्डियां है, पेट है, दिल है, लंग्स है, वो सब तो सेम है ना सबका, बस बाहर का चीज है ना, जो बाहर का चीज अलग है, अंदर तो सब वही चल रहा है ना। हम लोग ने बिग बैंग का बात किया था, सब क्या हुआ था, सब बिग बैंग में क्या हुआ था, क्या हुआ था, एनर्जी, एनर्जी से सब बना ना। हम लोग भी किस चीज से बना है, एटम्स और एनर्जी से बना है, तो सबके अंदर वही एनर्जी चल रहा है ना, पेड़ के अंदर भी वही एनर्जी है, जानवर के अंदर भी वही एनर्जी है, और इंसान क्या है, एक ही जाति है इतने सारे जातियों में से। तो एक दूसरे को अभी जो आप नेक्स्ट चीज करेंगे हम, उससे आप लोग, मैं चाहता हूँ आप लोग एक दूसरे को इंसान की तरह देखो, ये मत देखो कि हाँ क्या सुमंता नाग है, 9th A का है, ये है, वॉलीबॉल खेलता है, ये सब भूल जाओ अभी के लिए। सुमंता नाग बस क्या है, मनुष्य है,
जिसकी मेरी तरह दो आंखें हैं और मैं उन आंखों को देखूंगा। ये चीज पहले भी मैंने कोशिश किया था तुम लोगों के साथ करने का, लेकिन अभी बस ये नहीं होना चाहिए, कुछ लड़का लड़की नहीं होना चाहिए कि सुमंता नाग लड़का है या फिर सुमंता नाग हिंदू है, ये सब दिमाग में नहीं रखना है। बस दो मिनट के लिए सुमंता नाग और मैं ऐसे एक दूसरे को देखेगा, अंदर जो इसके अंदर जो मानव है, अंदर जो एनर्जी है, सांस पे सांस लेता है ना जीवन, हंसी क्यों आ रहा है, हाँ सांस जो ले रहा है ना उसी पे हम एक दूसरे को मनुष्य की तरह देखेंगे, रिस्पेक्ट देगा। नमस्कार का मतलब क्या होता है, हर एक को नमस्कार करता है तुम लोग, हाँ रिस्पेक्ट मतलब क्या है नमस्कार शब्द का, सब लोग एनर्जी से बने ठीक है। और धर्म क्या बोलता है, भगवान सबके अंदर है, सब सबके अंदर है, सब एक चीज से बना है। साइंस भी वही बोल रहा है ना, साइंस भी वही बोल रहा है सब एनर्जी से बना है। तो हो सकता है एनर्जी, मैंने ये बात किया था ना, हो सकता है एनर्जी भगवान एक ही चीज है। तो नमस्कार का मतलब होता है कि आपके अंदर जो भगवान जैसी चीज है उसको आप एनर्जी मान लो या आत्मा मान लो या भगवान ही मान लो, मैं उसको उसके सामने झुक रहा है, नमस्कार शब्द का ये मतलब है, समझे। आपके अंदर राजेश्वर के अंदर जो भी ऊर्जा है, एनर्जी है, भगवान जैसा चीज है, मैं उसको पहचान के, आपके अंदर भी वही, आपको भी पहचान के कर रहे हैं, सबके अंदर है ठीक है। तो बस उस चीज को हम थोड़ा महसूस करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को इंसान की तरह देखेंगे ठीक है। दो मिनट, बस दो मिनट, ज्यादा नहीं। तो चलो हंसी वसी जो भी हंसी आ रहा है पहले निकाल लो, एक मिनट हंस लो उसके बाद ठीक है, बहुत सिंपल चीज है ना। थोड़ा दूर दूर हो जाओ, पास इतना खड़ा होने की जरूरत नहीं, इधर आ जाओ थोड़ा दूर दूर। हंसी आएगा शुरुआत में, आप लोगों को आदत नहीं है ये चीज का, लेकिन हंसी छोड़ो आगे से ये बहुत, देखो अभी आप लोग सब एक क्लास में दोस्त है, अगर एक दूसरे को नहीं देख पा रहे तो बाहर जब जाएगा नए लोगों से मिलेगा कैसे चलेगा। अगर मैं आप लोगों से ऐसे बात करेगा कि हाँ आज हम ये करेंगे बिल्कुल नहीं देखेगा, नहीं चलेगा ना। बात करने के लिए बहुत जरूरी है एक दूसरे को देखना, तो आज ये करेंगे। चलो स्टार्ट, कोशिश करो, आवाज मत, कोशिश करो ट्राई करो ठीक है, कोशिश करो। ईशान ईशान
तुम इधर देखो, तुम इधर देखो, ठीक है। बस देख कर ठीक है। चलो जिन जिन लोगों को करना था वो तो समझ गए ये चीज, ठीक है। बाकी अब जो नहीं करना था वो नहीं किया, ठीक है। वापस ठीक है। तुम दो दुर्योधन और आपका नाम क्या था? बाबला। बाबला दुर्योधन, बाबला सुमंता, परमानंद, तुम लोग सही से कर रहा था मुझे लगा। तो क्या लगा ये सब करते हुए, क्या लगा? आसान था ये करना? इजी था? नहीं सर। नहीं था, आसान था। आसान था, ठीक है। और लड़कियों में से भी कुछ लोग अच्छे से कर रहा था। आप दो चार कैसे, क्या आसान था ये करना? हाँ इजी था, इजी था नहीं? हाँ जो लोग नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया, क्यों था इतना मुश्किल? हाँ क्यों इतना मुश्किल क्यों है? अभी देखो आप लोग 4-5 साल से एक दूसरे के साथ पढ़ रहे हैं ना, क्लास 9th में एक दूसरे को जानता है सब। अब अगर एक दूसरे को आप लोग फ्रेंड्स क्लासमेट होके एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं, सोचो कल को बाहर जाएगा कुछ काम करने, कहीं इंटरव्यू देगा नौकरी के लिए या कॉलेज के लिए, कैसे चलेगा? यहाँ पे तो सब एक दूसरे को जानता है, अभी एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हो तो बाहर का लोगों से देखने को जाएगा कैसे होगा? समझ रहे? आई कॉन्टैक्ट, जो आई कॉन्टैक्ट बोलते हैं इस चीज को, आंखों का संपर्क, इस चीज से क्या होता है बहुत चीजें समझ में आता है। एक तो अगर आई कॉन्टैक्ट अगर मैं आपसे ऐसे करके बात करेगा तो दो चीजें है ना, पहले भी बात किया था, एक तो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, आपको लगेगा मुझे पता ही नहीं है कुछ, आत्मविश्वास नहीं है, है ना? और दूसरा क्या है, शायद मैं झूठ बोल रहा है। जब भी कोई आपको ऐसे आंख चुरा के बात करता है ऐसा लगता है ना कि ये सच नहीं बोल रहा है। तो इन चीजों के लिए सर, अगर आप सही में किसी से अच्छे से बात करना चाहते हैं, आप जब फ्रेंड्स दोस्तों आपस में बात करते हैं तो देखते हैं ना एक दूसरे को, तभी ज्यादा बात चलता है। अगर कोई मान लो आप दो दोस्त है, मान लो है नहीं मुझे नहीं पता जो भी है, 2 मिनट ठीक है, आप लोग दोस्त है, एक दूसरे को देखता है, अगर बिल्कुल देखना बंद कर दो और बस ऐसी बात करो, हो पाएगा दोस्ती? नहीं ना। तो यही चीज है, ठीक है, इसी चीज से हम बात कर रहे हैं कि जब आप एक दूसरे को देखता है ना, जो फालतू का चीजें हैं उस समय के लिए आप ये भूल जाएगा कि जो भी हम बना लेते हैं आइडेंटिटी, बाल बना करके, खड़ा करके, अच्छा शर्ट डाल के, वो सब कुछ नहीं रहता। जब आप किसी को देख रहा होगा ऐसे करके, तो चाहे आपके सामने नरेंद्र मोदी खड़ा है या फिर कोई भिखारी खड़ा है, वो सेम होना चाहिए, हंसने का बात नहीं है, ये बहुत सिंपल चीज है। नरेंद्र मोदी भी आपको इतना सामने जो आपको टीवी में दिखता है, वो भी जब घर में बैठ के दांत ब्रश करता है, ऐसे खुजली करता होगा, कुछ कुछ करता होगा, ठीक है, वो अलग से कोई इतना महान आदमी नहीं है, वो भी इंसान है हमारी तरह। और जो भिखारी भी है उसको आप रिस्पेक्ट दीजिए, वो भी इंसान है, ठीक है, उसको गाली देने का जरूरत नहीं है। उसको भी नरेंद्र मोदी और भिखारी को एक ही ऐसे करके देखेगा तो आपको इंसान ही दिखेगा, समझ रहे? वैसे सलमान खान या कोई भी अल्लाह अर्जुन जो तुम्हारा जो हीरो है, सब इंसान है, घर पे बैठ के वो भी ऐसी खुजली करता होगा, कुछ कुछ करता होगा, नाक ऐसे साफ करता होगा, समझ रहे? है ना, इंसान है ना, वो भी खाता है निकालता है, ठीक है। हाँ ठीक है, वैसे कुछ कह रहा है। तो वही है, इन क्लासेस में हम ये बात करेंगे कि एक दूसरे का मनुष्य कैसे पहचाने हम, धीरे धीरे अच्छा मनुष्य कैसे बने और साथ मिलके अच्छा काम कैसे करेंगे, ठीक है, समझ गए? चलो ओके ओके बाय। ये सब फेंकना है डस्टबिन में ले जाके, यहाँ कहीं नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, और कल भी ऐसी थोड़ा जल्दी आना, ठीक है, ओके बाय।